तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले बैड ब्लड से। तो भाई बैड ब्लड के लिए WWE ऑलरेडी मैच कार्ड बनाने लगी है। बैड ब्लड आपका अक्टूबर 5 को होने वाला है, इंडिया में आप 6 अक्टूबर को देख पाओगे। अब ऐसे में बैड ब्लड के लिए 3 मैचेस ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। एक अपना है डैमियन प्रिस्ट एंड फिन बैलर का मैच, एक है वेमेंस वर्ल्ड टाइटल का मैच, एक अपना है भाई हेल इन अ सेल मैच जो कि मैकइंटायर एंड सीएम पंक के बीच में होगा। 3 मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। मेल्टजर का कहना है कि 2 और मैचेस आप एक्सपेक्ट करो। WWE शायद 5 मैचेस के साथ जाने वाली है इस PLE के अंदर। तो ये 2 और मैचेस कौन से हो सकते हैं इसको लेके मेल्टजर बात करते हैं। कहते हैं एक तो एक्सपेक्टेड है कि गुंथर एंड सेमी जेन का मैच होगा एंड दूसरा कोडी रोड्स का मैच हो सकता है। कोडी रोड्स अपनी टाइटल डिफेंड कर सकते हैं अपने होम टाउन में, ऐसा कहना है मेल्टजर का। अब पता नहीं भाई कोडी किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे। वो स्मैकडाउन में कल डिफेंड करने वाले हैं टाइटल। इसके बाद क्या एक फिर नई फ्यूड होने वाली है, क्या जेकब फाटू होंगे, क्या रोमन रेंस का, तो वैसे लगता नहीं है। लेकिन हु नोज भाई, कोडी रोड्स का भी नाम आ रहा है कि कोडी रोड्स भी एक मैच में कम्पीट करेंगे। बनता भी है भाई, बिकॉज उनको एडवर्टाइज किया गया बहुत अच्छे से, वो प्रोमो वीडियो के अंदर थे, उनका ही होम टाउन है, तो वहाँ पर कम्पीट नहीं करेंगे तो कुछ सेंस बनेगा ही नहीं। कोडी का मैच होगा एंड एक गुंथर एंड सेमी जेन का मैच हो सकता है अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो ये कुछ बताया जा रहा है फिलहाल भाई बैड ब्लड को लेके। ये अपडेट है, टोटल इन टोटल 5 मैचेस होने वाले हैं। 3 ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, 2 और मैचेस WWE ऐड कर सकती है, ऐसा कहना है डेव मेल्टजर का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ऑल माइटी बॉबी लेस्ली को लेकर। तो भाई बॉबी लेस्ली हिंट करते हैं AEW मूव। WWE के अंदर अब है नहीं बॉबी लेस्ली भाई, PWI 500 की लिस्ट के अंदर थे लेकिन WWE सुपरस्टार के तौर पे थे, बट अब वो WWE टैलेंट नहीं है, AEW बहुत जल्दी बन सकते हैं। हिंट इन्होंने क्या करा मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम के ऊपर गाइस एक पोस्ट करते हैं, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, यहां पे एक कोलाज पोस्ट करते हैं जहां पे ये WWE के अंदर जो जो अचीव कर चुके हैं वो दिखा रहे हैं, साथ में TNA के अंदर भी इन्होंने इंपैक्ट के अंदर जो अचीव करा वो दिखा रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली दिखाया कि इन्होंने अपने करियर में क्या क्या किया है फ्रॉम देन टू नाउ, ऐसा कहना है लेस्ली का। ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, ट्वीट नहीं सॉरी भाई पोस्ट करते हैं, इंस्टा पे लिखते हैं, द जर्नी इज फार फ्रॉम ओवर। कहते हैं कि जर्नी यानी जो सफर है भाई वो अभी खत्म होने नहीं वाला, अभी तो हम लोग बस शुरू हो रहे हैं, ऐसा लेस्ली का मानना है, ऐसा लेस्ली का कहना है। तो लेस्ली आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ भाई अपना फोकस बना चुके हैं। ये अभी तक ये दिखा चुके हैं कि देखो पहले ऐसा था मैं, बीच में ऐसा हुआ, अभी मैं ऐसा हूं, इतना मैं कर चुका हूं, अब ये आगे किस टाइटल की तरफ एम करेंगे, मोस्ट लाइकली AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो लेस्ली हिंट करते हैं भाई AEW मूव, TNA की पिक्चर डालते हैं, WWE की पिक्चर डालते हैं, AEW की आगे जाके डालेंगे बिकॉज आपको AEW में देखने को मिलेंगे। इवन ये भी भाई बताया जा रहा है कि शायद हर्ट बिजनेस को लेके में भी कुछ डिस्कशन है, नॉट श्योर, चांसेस हैं, अभी कंफर्म नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन AEW के अंदर ये और MVP मोस्ट लाइकली जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स को लेके। WWE मंडे नाइट रॉ लेके जाने वाली है नेटफ्लिक्स पे अगले साल स्टार्टिंग में, एंड सिर्फ ये मंडे नाइट रॉ ही नहीं बल्कि पे पर व्यू वगैरह सब कुछ नेटफ्लिक्स पे लेके चले जाएंगे। तो नेटफ्लिक्स को जो भी सब्सक्राइब करेगा WWE के कारण भाई उसको फुल एक्सेस मिलेगा WWE के कॉन्टेंट का। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अगर हम एक OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें एड्स नहीं आएंगे, एंड काफी अंडरस्टैंडेबल चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। WWE को अगर आप सब्सक्राइब करोगे अभी नेटफ्लिक्स पे होने के बावजूद तो भी आपको भाई एड्स फेस करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ये सुन के काफ़ी सारे लोग गुस्से के अंदर हैं, लेकिन ये होने वाला, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट निकल के सामने आई है, रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को क्लेम करा गया है कि WWE मंडे नाइट रॉ को नेटफ्लिक्स पे लेके जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है एड्स के मामले में। हाँ ये बोलो कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी आपको कि आप एड्स थोड़ा इधर उधर प्लेस करो, बीच में ना इंटरप्ट करो, लेकिन एड्स तो होंगे। ये बात मेल्टजर नहीं कही है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में, देयर विल बी कमर्शियल्स ऑन नेटफ्लिक्स व्हेन WWE रॉ अराइव्स ऑन द प्लेटफॉर्म। One reason Netflix picked up Raw is that they are working to incorporate commercials into their programming and the pro wrestling audience is already accustomed to seeing ads during shows. However, Netflix will have more flexibility compared to traditional television. They can adjust the timing and duration of commercial breaks without the need for the show to adhere strictly to the second. तो कहना है कि Netflix वाले भी इस कोशिश के अंदर लगे हुए थे पिछले कुछ टाइम से कि हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन के बावजूद भी एड्स रन करें। इनको मालूम है कि प्रो रेसलिंग की जो ऑडियंस है भाई उनको आदत है, उसको आदत है एड्स से सफर करने की। तो ये कहते हैं इनका मानना है कि भाई हम लोग भी मंडे नाइट रॉ में एड्स वगैरह लगाएंगे, कमर्शल्स लगाएंगे। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी शायद में भी आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिले, मतलब आपको हमें कहाँ अभी कुछ, लेकिन उन लोगों को हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि कमर्शल खत्म हो जाएगा, ये कुछ बताया जा रहा है। कमर्शल्स भाई स्टिल रन होंगे। कुछ टाइम पहले तो मैं ट्विटर पर देख रहा था कि सोनी लिव से भी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई हमने सब्सक्रिप्शन लिया आप एड्स क्यों दिखा रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर को लेकर।
ठीक है। सुबह वाली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करी कि गुंथर स्मैकडाउन में अपीयर हो सकते हैं, ऐसा कहना है पीडब्ल्यू इंसाइडर का। लेकिन क्या ऐसा सही में होने वाला है? देखो भाई, गुंथर स्मैकडाउन के लिए प्रेजेंट होंगे, बैक स्टेज प्रेजेंट होंगे। गुंथर का मैच होगा लेकिन वो डार्क मैच होगा, यानी कि ऑफ एयर में होगा। स्मैकडाउन खत्म होने के बाद गुंथर फेस करने वाले हैं डैमियन प्रिस्ट को, इनका रीमैच होगा एंड ये वाला मैच आपको स्मैकडाउन के बाद मिलेगा। हमें इसकी फुटेज मिल जाएगी, मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा। रिजल्ट वैसे पता ही, हमें गुंथर जीतेंगे। तो WWE विल बी रनिंग बैक गुंथर वर्सेस प्रीस्ट टुनाइट एज द टू कोलाइड फॉर द वर्ल्ड टाइटल इन वन ऑफ स्मैकडाउन्स डार्क मैचेस। तो कल स्मैकडाउन के बाद इनका मैच होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लूचा ब्रोस को लेके, यानी कि रे फिनिक्स एंड पेंटागन जूनियर को लेके। तो भाई ये दोनों WWE के अंदर आने वाले हैं, हमें पता है, बस थोड़ा वेट आपको करना है। लेकिन इनको लेके एक नई अपडेट आई निकल के सामने, वो मैं आपको बताता हूँ। MCMG को लेके हमने क्या सुना भाई, MCMG को लेके अपडेट आई कि ये लोग NXT से चालू करने वाले हैं। मे बी जब CW नेटवर्क पर NXT जाएगी भाई, तो यहाँ से वो चालू हो जाएंगे, मतलब डेब्यू उनका हो जाएगा यहाँ पे WWE के अंदर। अब ऐसे में ये तो उनकी बात होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लूचा ब्रोस की। तो वाइपर रिपोर्ट्स यानी PWN की अपडेट है, आप देख सकते होगे। While there's no timeline on when the Lucha Bros will arrive in WWE, it's expected that the duo will be main roster bound upon arrival. तो बताया जा रहा है कि जब Ray Phoenix and Pentagon Jr. WWE के अंदर आएंगे AEW से, तो ये लोग ना भाई सीधा मेन रोस्टर में आने वाले हैं, या NXT में नहीं जाने वाले। कल MCMG को लेकर अपडेट आई कि वो NXT में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनको लेकर अपडेट है कि ये मेन रोस्टर पे आने वाले हैं। तो एक अच्छी न्यूज़ है भाई, पेंटागन जूनियर भी एक लेजेंड है, रे फिनिक्स के अंदर भी काफ़ी टैलेंट है, तो हो सकता है कि शायद ये मेन रोस्टर पे काफ़ी कुछ धमाल करें आते के साथ ही। फिलहाल ये अपडेट है इनको लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। कल है स्मैकडाउन का एक बहुत मैसिव एपिसोड, सीजन प्रीमियर वाला एपिसोड है, काफ़ी हाइप है, काफ़ी एक्साइटमेंट है। क्या हम बिग सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, वो मैं आपको बता दूं। लेकिन अभी अभी एक ट्वीट निकल के सामने आया WWE का, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। WWE का कहना है, इट्स गोइंग टू बी वन अनफॉरगेटेबल नाइट, डोंट मिस एनी ऑफ द एक्शन व्हेन स्मैकडाउन प्रीमियर्स ऑन US नेटवर्क। तो मैं आपको बोल चुका हूं भाई कि स्मैकडाउन मिस मत करना, एंड WWE ने अनफॉरगेटेबल इस टर्म का यूज़ करा, यानी कि आप इसको भूल नहीं पाओगे। तो इससे पहले भाई कौन कौन से ऐसे शोज है जिनको हम लोग नहीं भूल पाए? रसलमीना 40, मंडे नाइट और डे वन जहाँ पे रॉक आए थे, या फिर पिछले साल का स्मैकडाउन जहाँ पे रॉक आए थे। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है, वो आप तो गेस करना। लेकिन फिलहाल WWE ने इस चीज़ को ट्वीट करके अनफॉरगेटेबल लिख के साफ भाई अपने इरादे साफ कर दिए कि आप एक्सपेक्ट करो बिग थिंग्स, यानी कि बिग सरप्राइजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल का स्मैकडाउन काफ़ी कुछ ला सकता है आपके लिए, रॉक के चांसेस हैं, कंफर्म बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं चांसेस की। इससे पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं काफ़ी ना पहले, तो अभी फिर से वही चलेगा। रॉक के चांसेस हैं, रोमन रेंस एडवर्टाइज हैं, 2-3 बार एडवर्टाइज किए जा चुके हैं भाई। जिमी उसो मे बी अपीयर हो सकते हैं, हालांकि जिमी उसो से ऐसा कुछ इतना नहीं हो जाने वाला कि अनफॉरगेटेबल नाइट होगी है। लेकिन हाँ भाई, बिग सरप्राइजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी कोई लेजेंड अपीयर हो जाए। रैंडी ऑर्टन शेड्यूल्ड हैं, बताया जा रहा है कि मे बी वो भी अपीयर हो सकते हैं, मे बी वो केविन ओवंस के मिस्ट्री पार्टनर के पे आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड ही देखने को मिल जाए। हो सकता है कि शायद हम लोग किसी चीज के तरफ टच भी नहीं कर रहे हैं, शायद वो चीज हमें देखने को मिल जाए। फिलहाल आई थिंक सबसे अनफॉरगेटेबल चीज तभी होगी जब रॉक वापस आएंगे एंड वो कोडी रोड्स के फेस टू फेस जाएंगे। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। लेट्स सी भाई, मैं तो कल लाइव देखूंगा मस्त एंड तुरंत आएगी रिएक्शन वीडियो अगर कुछ मैसिव होता है तो कल का वेट करना। एंड अपडेट्स वगैरह तो भाई भरी जाएगी अगर कुछ मैसिव हो जाता है कल। तो चैनल पर बिल्कुल एक्टिव रहे, चिपक के रहे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिला, एंड उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी आपको ऑल पर सेट करना होगा। फॉलो कर लेना मुझे ट्विटर एंड इंस्टा पे, बिकॉज कल लाइव ट्वीटिंग भी हम लोग करेंगे तो मजा आने वाला है। एंड फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, अगर रात में कोई मेजर न्यूज़ ब्रेक होती है, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बहुत रात को आती है न्यूज़ वगैरह, तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग।